हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड 38th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि हमने इस सब्जेक्ट पर और भी वीडियोज़ बना रखे हैं। अगर आपने हमारी वेब वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा रिप्रेजेंटेशन, ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा रिप्रेजेंटेशन हम छह मेथड की हेल्प से करने वाले हैं। पहला होता है हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT, दूसरा है एनुअल एवरेज आर्ली ट्रैफिक AST, अगला है एवरेज डेली ट्रैफिक AADT, उसका अगला है क्या ट्रेंड चार्ट, अगला है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ और लास्ट है 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। इन छह मेथड की हेल्प से हम देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला आता है हमारा क्या एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT। तो ध्यान से समझिएगा, मेरा कोई ये रोड था, मैंने इसका ये सेक्शन पकड़ लिया। अब मैं इस सेक्शन की स्टडी कर रहा हूँ, मैं 365 डेज तक, मैं जब 365 डेज तक गिनता हूँ कि यार इस सेक्शन में से कितने व्हीकल जा रहे हैं और उसे 365 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा आ जाता है क्या एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT। मैं फॉर्मूला देता हूँ, AADT विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हीकल पास्ड इन 365 डेज एट ए गिवन सेक्शन और पॉइंट अपॉन 365। तो मैंने क्या किया, 365 दिन तक इस सेक्शन पे मैंने गिने कितने व्हीकल गए और उसको 365 से डिवाइड कर दिया, वो क्या था मेरा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT। अगला आता है एनुअल एवरेज आर्ली ट्रैफिक, तो इसका फॉर्मूला AST का फॉर्मूला क्या होता है, जब मैं AADT जो आया है मेरा उसको डिवाइड कर दूँ किसने से 24 से, उसको मैंने 24 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाता है मेरा एनुअल एवरेज आर्ली ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ पूरे दिन के लिए निकाल लेते हम, घंटे के लिए निकाल लेते तो इसे 24 से डिवाइड कर दिया। अगर आता है एवरेज डेली ट्रैफिक, तो एवरेज डेली ट्रैफिक में थोड़ा सा चेंज अलग, थोड़ी सी चीज़ अलग है वो देख लेते हैं। एवरेज डेली ट्रैफिक की बात करें, यहाँ हम ले रहे थे 365 दिन के लिए, यहाँ हम 365 दिन की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे एक वीक या 28 दिन की। मैंने माना एक वीक तक, बस मैं एक हफ्ते बैठा, मैंने एक हफ्ते में बैठ के सारे व्हीकल गिन लिए, या मैं 28 दिन के लिए बैठा और 28 दिन में मैंने बैठ के सारे व्हीकल गिन लिए। यहाँ पे AADT का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा नंबर ऑफ व्हीकल पास्ड इन वन वीक और 28 डेज अपॉन, अगर हमने एक वीक के लिए किया है तो 7 से डिवाइड करेंगे, अगर 28 दिन के लिए हमने चेक किया है बैठ गए तो हम 28 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आता है क्या एवरेज डेली ट्रैफिक AADT। अगला आता है ट्रेंड चार्ट, अलग क्या था ट्रेंड चार्ट, तो ट्रेंड चार्ट समझिएगा होता क्या है, ये मेरा एक कर्व आया, यहां पर आता है मेरा AADT और यहां पर आता है मेरा ईयर्स। तो मैंने क्या किया, मैं 2010 में देखा, 2011 में देखा, 2012 में देखा, 2013 में देखा, ऐसे करके मैं आगे बढ़ता चला गया और ऐसे करके मेरा AADT हुआ कि यहाँ पे कुछ आया था, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया, कुछ इस तरीके से ये रीडिंग आई मेरी। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इसका कर्व ड्रॉ करूँगा तो मैंने देखा कर्व कुछ इस तरीके से मिल रहा है, कर्व क्या मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो आगे जितनी भी कैलकुलेशन करूँगा अपने ट्रैफिक वॉल्यूम की, मैं इस कर्व के अकॉर्डिंग करूँगा, जो मैंने ये कर्व ड्रॉ किया ईयर्स और AADT के बीच में, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है ट्रेंड चार्ट। ठीक, अब आता है अगला मेथड जो कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, वो देख लेते हैं क्या है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। इसमें ये समझिए, मान लीजिए मेरा ओरिजिन, मैंने माना यहाँ से मेरे व्हीकल जा रहे हैं, यहाँ से मैं स्टडी करने बैठा, एक पाथ मेरा ये है, एक पाथ मेरा ये है, एक पाथ मेरा है, तो ये ओरिजिन हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन वन है, ये मेरा डेस्टिनेशन टू है, ये मेरा डेस्टिनेशन थ्री है। तो ओ से व्हीकल निकल रहे हैं D1 डायरेक्शन में, D2 D3 डायरेक्शन में। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ बैठ के व्हीकल गिनूँगा, क्या D पहले व्हीकल गया D1 पे, अगला गया D2 पे,
फिर गए D3 पे, इस तरीके से मैं देखते जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जितने ज़्यादा व्हीकल जा रहे हैं उतनी लाइन में मोटी करते जाऊंगा। जैसे ये O से D2 पे जा रहा है, मैंने देखा D2 पे ज़्यादा व्हीकल जा रहे हैं तो D2 पे और थिकनेस होगी लाइन की। D2 पे देख रहा हूँ और थिकनेस हो गई, D2 पे व्हीकल जा ही जा रहे हैं, D2 की थिकनेस बढ़ती जा रही है। D3 पे देखा मैंने यार एक व्हीकल और गया बस। D1 पे भी देखा मैंने कि एक दो व्हीकल इस पे भी जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्हीकल किस पे जा रहे हैं, D2 पे। तो D2 क्या हो जाएगी दोस्तों, यही हो जाएगी मेरी डिज़ायर्ड लाइन, ये क्या हो जाएगी मेरी डिज़ायर्ड लाइन। तो ओरिजिनल डेस्टिनेशन स्टडीज़ क्या है कि हम देखते हैं कि एक पॉइंट से मेरी व्हीकल कितने डायरेक्शन में जा रहे हैं और हर उन डायरेक्शन में हम व्हीकल काउंट करेंगे, और जितने ज़्यादा व्हीकल जाते हैं मेरे, जितने ज़्यादा व्हीकल जा रहे हैं उतनी लाइन को हम डार्कर या थिकनेस लाइन की बढ़ाते हुए जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा थिकनेस मिलती है लाइन की, वही मिलती है हमारी, वही होती है हमारी डिज़ायर्ड लाइन। और जितना भी आगे डेवलपमेंट करना होता है इस लाइन की थिकनेस के अकॉर्डिंग करना है। मैंने देखा कि इसमें व्हीकल ज़्यादा जा रहे हैं तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा रोड की, इस पर कम जा रहे हैं इसकी भी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस पर तो व्हीकल जा ही नहीं रहे, लेकिन जितनी इसकी हमने थिकनेस दे रखी है, विड्थ दे रखी है, वो पहले से ही ज़्यादा है, तो हमें इसमें कोई बढ़ाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा रिप्रेजेंटेशन में 5 मिनट पढ़ ली। अगला आता है 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ये देख लेते हैं क्या होता है 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। एक बात समझिएगा कि 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम है क्या और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक। डेफिनेशन लिख रखी है, ये देखेंगे भी क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम चेक करता हूँ 365 दिन में। मैंने माना कि यार सबसे हाईएस्ट एक घंटे में जो मेरे व्हीकल ट्रैवल किए वो 1000 किए, 1000 व्हीकल मेरे मैक्सिमम थे सबसे हाईएस्ट। उसके बाद उससे कम जो है वो थे 980, ये दूसरे नंबर का था व्हीकल। उससे भी कम आए एक बार, वो आए 970, ऐसे करके उससे कम आए 930 व्हीकल, चौथा हाईएस्ट रहा ये मेरा। पहला सबसे ज़्यादा गए 1000, उससे कभी ज़्यादा गए ही नहीं एक घंटे में। उसके बाद 980 रहे सेकंड नंबर पे, उसके बाद 970 भी रहे, 930 भी रहे, ऐसे ही कर करके 30वें नंबर पे, जो 30 नंबर पे हाईएस्ट रहे मेरे वो रहे 750। मैंने माना कि 750 नंबर व्हीकल, 750 व्हीकल जो एक घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं वो 30वें नंबर पर आता है। सबसे पहले 1000 आए, सबसे ज़्यादा व्हीकल एक घंटे में ट्रैवल किए वो 1000 था, रिकॉर्ड बन गए। उसके बाद 980 आए सेकंड पे, उसके बाद 970 भी रहे, कभी 930 भी रहे, लेकिन 30वें नंबर पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल आया वो 750 आया। तो अकॉर्डिंग टू 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम, हम जो अपनी ये रोड जो है, इस रोड को जो डिज़ाइन करेंगे, इसके ऊपर जो डेवलपमेंट करेंगे, अकॉर्डिंग टू 750 व्हीकल के करेंगे कि मैक्सिमम भाई इस रोड पर 750 व्हीकल आते हैं, तो हमें इसका डेवलपमेंट जो करना है 750 के हिसाब से करना है, हम 1000 व्हीकल के हिसाब से नहीं करेंगे। समझ में आ गया, 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम का, 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम वो हमारा वो हाईएस्ट वॉल्यूम है कि 29 इससे पहले हमारे 29 हाईएस्ट वॉल्यूम रहे होंगे। 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम हमारा वो वॉल्यूम है जिससे पहले 29 और हाईएस्ट रहे होंगे, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो हमारा 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, और इसके बाद जो रहेंगे हमें उनसे मतलब ही नहीं, ठीक। दूसरी बात कि हम पहले नंबर पे 1000 व्हीकल आए हैं, इसके हिसाब से क्यों डिज़ाइन नहीं करते, तो इसका मेन रीज़न ये है कि होता क्या है कि ये तो कभी कभार वाला केस है कि ये तो हो सकता हो भी ना, और जब हम इसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ना तो जो हमारा डेवलपमेंट है या रोड का जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, हमें इकोनॉमी भी देखनी है। तो जब हम ये डिज़ाइन करते हैं वो इकोनॉमिकल नहीं रहता, इस वजह से हम 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम इज़ द आर्ली वॉल्यूम दैट विल बी एक्सटीडेड ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर एंड ऑल अदर आर्ली वॉल्यूम ऑफ द ईयर विल बी लेस देन दिस वैल्यू। यानी कि 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम हमारा वो वॉल्यूम है कि पहले नंबर पर कुछ व्हीकल आए, दूसरे पर कुछ आए, तीसरे पर कुछ आए, चौथे पर कुछ, ऐसे करके 29
29 हाईएस्ट वैल्यू रहेंगी इससे हमारी, इससे हाईएस्ट वैल्यू हमारी 29 रहेंगी। और इस वैल्यू के बाद सारी वैल्यू जो एक घंटे में गुजरी हैं किसी भी रोड के सेक्शन से वो कम रहेंगी। 29 वैल्यू इससे ज़्यादा रहेंगी जो एक घंटे में ट्रैवल कर रही हैं, और इससे जितनी वैल्यू है 29 के बाद वो सारी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। वो कहलाता है हमारा क्या, 30th हाईएस्ट आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।